नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग चैनल में हम आपका दिल से स्वागत करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे शेयर के बारे में जिसमें टाटा ने स्टेक एक्वायर किया, कितने परसेंट स्टेक एक्वायर किया है और कौन सी कंपनी है, किस इंडस्ट्री से बिलोंग करती है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो। वीडियो कंटिन्यू करने से पहले हम आपको बता दूं, आप हमारे चैनल स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दें लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। चलिए अब हम बात कर लेते हैं उस कंपनी के बारे में जिसमें टाटा रतन जी ने एक्वायर किया है स्टेक। मैं कहीं कंपनी की बात करूं तो कंपनी एक माइक्रो कंपनी है और मैं जो अब वीडियो को कंटिन्यू स्टार्ट कर रहा हूं एक बैलेंस शीट से स्टार्ट कर रहा हूं। बैलेंस शीट में आप देखेंगे कंपनी का बारोइंग की बात करें, देखिए किसी भी कंपनी के में स्टेक एक्वायर करने से पहले जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, जो बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं, बारोइंग जरूर चेकआउट कर। देखिए यहाँ पर जो बारोइंग है 2 करोड़ रुपीज की, ओनली बारोइंग जो है 2 करोड़ रुपीज की है और वही आपका क्या कहते हैं रिजर्व है 65 करोड़ रुपए का। तो मतलब क्या है, तो कंपनी सही है, स्ट्रांग है। फिर वही बात कर ले कंपनी की कैश फ्लो की बात करें या इन्वेस्टर की बात करें या प्रॉफिट लॉस की बात करें, पहले हम चेकआउट कर लेते हैं प्रॉफिट लॉस की। देखिए प्रॉफिट लॉस की बात करें तो कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है, सम टाइम प्रॉफिटेबल हुआ था बट अभी जो कंपनी का अर्निंग है निगेटिव में शो कर रहा है, ठीक है। तो आप एक चीज बताइए, जो इतने बड़े इन्वेस्टर हैं इन्होंने किस कंपनी में क्या देख के एक्वायर किया स्टेक, वो भी माइनस, मतलब आप कह सकते हो ना फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं है, एक माइक्रो कंपनी है, वो भी कितने करोड़ की कंपनी है, वो भी 1236 से 50 करोड़ की कंपनी है। इसमें रतन टाटा जी ने एक्वायर किया, कितने परसेंट एक्वायर किया उसके बारे में हम जानेंगे। देखिए अब हम जहां तक बात किया था बारोइंग की बात की, नेट प्रॉफिट की बात करें, अब हम बात कर लेते हैं होल्डिंग की, इन्वेस्टर्स की बात कर लेते हैं। देखिए इन्वेस्टर्स की बात करेंगे तो यहाँ पे प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई थी 2020 में, वो भी दिसंबर के मंथ में, वो होल्डिंग बढ़ा के 50.73 कर दिया। वही डीआईएस की बात करें तो डीआईएस ने अपनी होल्डिंग घटाई है। वही पब्लिक की बात करें तो पब्लिक ने भी अपनी होल्डिंग घटाई है। चलिए अब हम बात, देखिए यहाँ पे एफआईएस नहीं है, अब हम बात कर लेते हैं उस न्यूज के बारे में जहां से न्यूज आते हैं। इस शेयर में अच्छा खासा उछाल देखने को मिला और कंपनी के बिजनेस मॉडल को भी समझे, पहले हम चलते हैं कंपनी का बिजनेस मॉडल समझ लेते हैं फिर उस न्यूज पे चलेंगे, फिर शेयर का प्राइस फोरकास्ट करेंगे। चलिए अब हम आ गए, देखिए हम इस कंपनी की वेबसाइट चेकआउट किए हैं, जो कंपनी है ब्रिटिश नैंडी कम्युनिकेशन। तो इससे आपको क्या लगता है किस इंडस्ट्री से बिलोंग करती है? जी हाँ, एक रियलिटी इंडस्ट्री से, मीडिया इंडस्ट्री से आप कह सकते हो, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से आप कह सकते हो बिलोंग करती है। जी हाँ, अब इसके इनके जो कंपनी के जो बड़े बड़े ओनर है, मैनेजिंग डायरेक्टर से लेके जो बड़े बड़े एंटिटीज हैं आपके सामने आए, उसमें हेमा मालिनी भी हैं, बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं इसमें, ठीक है। कंपनी का थोड़ा सा ओवरव्यू समझ लेते हैं कंपनी क्या करती है। इट वॉज वन ऑफ द फर्स्ट मीडिया एंटरटेनमेंट कंपनी, हमने आपसे क्या बोला, मीडिया और एंटरटेनमेंट कंपनी है जो इस सेक्टर से बिलोंग करती है। और इस सेक्टर और कौन कौन से मूवी मिल चुका है, कौन कौन से मूवीज पे अवार्ड मिल चुका है, कौन कौन से सीरीज बनाया और कौन कौन से सीरीज पे काम कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू डाल लेते हैं। चलिए अवार्ड की बात करें, फेस्टिवल अवार्ड्स की बात करें, मूवी अवार्ड्स की बात कर लेते हैं। देखिए फेस्टिवल अवार्ड्स में इसका इसे बहुत अच्छा खासा अवार्ड मिला है, कौन कौन से फिल्म पे अवार्ड मिला, चमेली हो गया, ठीक है, बॉलीवुड कॉलिंग पे मिला इन्होंने, ठीक है, फैंटूस पे मिला है, इस तरह बहुत सारे फिल्में हैं जिसपे इस कंपनी को अवार्ड मिला है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं उस न्यूज पे, ठीक है, जहाँ पे स्टेक एक्वायर होते हुए दिखाई दे रहा है और टाटा जी ने क्यों इसमें एक्वायर किया, इसके पीछे का रीजन जानिए। देखिए एक मीडिया इंडस्ट्री से बिलोंग करती है तो कहीं ना कहीं ये कंपनी जो कंपनी है मीडिया मतलब वेब सीरीज पे भी फोकस कर रही है। इस कंपनी का स्ट्रीमिंग की बात करें तो स्ट्रीमिंग में भी हम देख लेते हैं कौन कौन से है। तो स्ट्रीमिंग पे आप देख रहे हैं फॉर मोर शॉर्ट्स प्लीज, ये है आपका क्या कहते हैं अमेजन पे, अमेजन पे पब्लिश है, आप इस पे जाके अमेजन पे जाके इस वेब सीरीज का लुत्फ तो उठा सकते हैं, मतलब कि ये कंपनी वेब सीरीज पे भी काम करती है। चलिए अब हम कंपनी के ओवरव्यू देख लेते हैं, आज के कारोबार का जायजा ले लेते हैं और बात कर लेते हैं उस न्यूज के बारे में जहां इस न्यूज आते ही इस कंपनी में अच्छा खासा सर्किट लगता हुआ दिखाई दे रहा है।
देखिए इस कंपनी के मैं सीधे न्यूज सेक्शन पे आया हूँ। टिकट टिप्स के न्यूज सेक्शन में देखेंगे, रतन टाटा एक्वायर अनडिस्क्लोज स्टेक इन ब्रिटिश नैंदी कम्युनिकेशन शेयर जम, ठीक है। और मार्केट मूव स्टॉक स्कूटर्स लिफ्ट छोड़िए से टाटा मेक्स बाय लिफ्ट ब्रिटिश नैंडी स्टॉक 10%, ठीक है। जैसे ही न्यूज आया, आते ही आप देखेंगे इस शेयर में अच्छा खासा उछाल देखने को मिला, वो भी 9% का। आते ही ये सर्किल लगना दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 वीक की बात करें तो 1 वीक में आप देखेंगे 0.93% का रिटर्न, 1 मंथ की बात करें तो 1 मंथ में 3% का रिटर्न, और 1 ईयर की बात करें तो 86.90% का रिटर्न। तो देखिए 1 डेज में देखेंगे आज का जो इसमें जैसे ही न्यूज आया इसमें अच्छा खासा उछाल देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं देखिए इसमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप जान लीजिए। देखिए आप अभी तो सर्किट लग रहा है, ठीक है, जब इसमें कंफर्मेशन आ जाएगा तो इसमें 10 से 15% मिल जाएगा, क्योंकि देखिए आपको इसमें मिलने वाला नहीं, क्योंकि जब सर्किट लगना शुरू हो जाता है तो बहुत मुश्किल से इसमें मिलता है। बट जो भी आप इसमें स्टेक लीजिएगा, बाई करिएगा, सेल्स सोच समझ के करिएगा। यही प्रो डिफॉल्ट डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, आप डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी देख रहे हैं नाक के बराबर, मतलब नेक्स्ट 12 मंथ में कंपनी क्या कहते हैं डिफॉल्ट नहीं होगी। बेसिक इन्फॉर्मेशन की बात कर लें, रिटर्न वर्सेस एफडी रिटर्न अच्छा नहीं है, डिविडेंड पे आउट नहीं करती, एंट्री पॉइंट सही है, आप एंट्री कर सकते हैं, नो रेड फ्लैग, मतलब इस कंपनी के ऊपर कोई केसेस नहीं चल रहे हैं। तो ऑल ओवर देखे तो कंपनी ठीक है, बट इसके फंडामेंटल अच्छे नहीं है आप कह सकते हो। देखिए रिटर्न वाइज देखेंगे तो रिटर्न वाइज कंपनी अच्छा नहीं है, बट बड़े एंटिटी जब एंटर किए तो कुछ सोच समझ के ही एंटर किए होंगे, ठीक है, क्योंकि उनकी जो सोच होती है बड़ी होती है, कुछ अलग होती है रिटेल इन्वेस्टर से, ठीक है। आई थिंक आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा तो जरूर सब्सक्राइब करते हैं स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग चैनल को लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।